सीधी बात नो बकवास टाइट टॉपिक पे आते हैं। आज के इस वीडियो में हम कॉजिटिव वर्ब का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉजिटिव वर्ब का सीरीज साउंड्स फनी, मैं चाहता तो कॉजिटिव वर्ब का एक ही वीडियो में फिनिश कर सकता हूँ, बट कॉजिटिव वर्ब का सीरीज बनाने के पीछे ये रीज़न है कि अलग अलग जितने भी मतलब कॉजिटिव वर्ब्स हैं आपके, उनको पार्ट वाइज डिवाइड करके उनका फुल यूज़ देखा जाए, फुल्ली एक्सप्लेन में समझा जाए कि ये कॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इनके प्रॉपर यूज़ क्या होते हैं। एक्चुअली डे टू डेली लाइफ में ऐसे जब भी हम टॉकिंग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं किसी से, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं बीच में, हम लोग अटक जाते हैं, समझ नहीं आता इसको हम क्या यूज़ करें या फिर क्या बोलना चाहिए। तो कॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे यूज़ हैं। सो आज के इस वीडियो में हम कॉजिटिव वर्ब का सीरीज जो देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक कॉजिटिव वर्ब कवर करेंगे, बाकी का इसका नेक्स्ट टू पार्ट आपका बाद में आएगा। सो ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी होने वाला है उन लोग के लिए जिसका यूजेस और आइडेंटिफिकेशन उनको बहुत अच्छे से आता है। यूजेस एंड आइडेंटिफिकेशन मतलब ढेर सारे रूल्स हैं, लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, ऐसे आप ग्रामर पैटर्न में देखोगे तो बहुत सारे यूजेस हैं उनका। अगर आइडेंटिफिकेशन और यूजेस बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको आता है तो फाइनली ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है और इसका यूज़ भी आप आसान से कर सकते हो। सो बिफोर वी जंप टू द कॉजिटिव वर्ब वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइक यूजेस एंड आइडेंटिफिकेशन। कॉजिटिव वर्ब हम बाद में जानेंगे, उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं यूजेस एंड आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है, क्योंकि हमारा जो पूरी प्रैक्टिस जो हमारी है वो डिपेंड है यूजेस एंड आइडेंटिफिकेशन पे। अभी आगे आगे हम देखते हैं कि यूजेस आइडेंटिफिकेशन के हेल्प से हम लोग कैसे इसको कवर करते हैं। सो देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं और उसके आइडेंटिफिकेशन क्या होती हैं। यूजेस, यूज ऑफ डूडस और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ता ती ते। यूज ऑफ डिड, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, या ही ये। आइडेंटिफिकेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस दीज साउंड्स कम, एक्चुअली या ही ये, ता ती ते, ये सब क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। एंड द नेक्स्ट यूज ऑफ इज एम आर, आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं। यूज ऑफ वाज वर, इसका आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थी एंड रहे थे। यूज ऑफ विल, इसका आइडेंटिफिकेशन गा गी के। यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू, इसका आइडेंटिफिकेशन है ना नी ने, पढ़ता है, पढ़ती है एंड पढ़ते हैं। वैसे यूजेस तो बहुत हैं, बट जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उन्हीं पर हम प्रैक्टिस करेंगे। सो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉजिटिव वर्ब से, लाइक व्हाट इज कॉजिटिव वर्ब। चलिए देखते हैं क्या होता है कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब इज अ वर्ब वेयर डूअर डज नॉट डू एनी एक्शन। The doer takes the help of another person to complete their work. Come on. Read it once again. Causative verb is a verb where doer does not do any action. The doer takes the help of another person to complete their work. Yeah, देखो बहुत ही मजेदार बात बोल रहा है कि causative verb is a verb where doer does not do any action. Causative verb एक verb होता है जहाँ पे doer कोई काम नहीं करता। Doer means काम करने वाला, जैसे teach means पढ़ाना, teacher means पढ़ाने वाला, ठीक है, स्पीक मीन्स बोलना, स्पीकर मीन्स बोलने वाला, उसी तरह से डू मीन्स करना, तो डूअर मीन्स करने वाला। सो द डूअर टेक्स द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन टू कंप्लीट दियर वर्क। जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो किसी तीसरे थर्ड पर्सन का हेल्प लेगा अपने काम को करने के लिए, क्योंकि वो खुद काम नहीं करता। यही कि हमारे क्या होते हैं कॉजिटिव वर्ब्स। कॉजिटिव वर्ब्स में तीन है हमारे पास, एक है हमारा गेट, एक है हैव, एक है हमारा मेक। ये तीनों हमारे कॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, लाइक गेट, हैव और मेक। यहाँ पर थोड़ा सा और कंसेप्ट आप लोग का क्लियर कर देता हूँ कि ये जो गेट, हैव, मेक है कॉजिटिव वर्ब्स, इन तीनों का वर्ब के सेकेंड फॉर्म में भी मतलब चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गेट का गेट, हैव का हैव, मेक का मेक ही रहेगा, नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनका वर्ब फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, लाइक वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, जैसे गेट का गॉट, हैव का हैड और मेक का मेड। बस, और ये जो हमारा जो हैव है, ये केवल हैव हमारा कॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि साथ में जब भी हम पढ़ते हैं तो हैज़, हैव दोनों पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हैज़ कॉजिटिव वर्ब नहीं होता है, केवल हैव हमारा कॉजिटिव वर्ब होता है। सो इन टुडे फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉजिटिव वर्ब सीरीज वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश द फर्स्ट कॉजिटिव वर्ब एंड दैट इज गेट। गेट को एग्जाम्पल के थ्रू समझने से पहले हम गेट में चार पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, गेट का फर्स्ट पॉइंट, कॉजिटिव वर्ब गेट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक्शन आप किसी थर्ड पर्सन से करवाते हैं। कॉजिटिव वर्ब जो गेट है हमारा, वो उसका यूज़ हम तब करते हैं जब भी कोई वर्क, कोई वर्क बोले तो खाना पीना, खेलना कूदना, दौड़ना, नाचना, कुछ भी, कोई भी वर्क जब किसी तीसरे पर्सन से करवाते हो
तो वहाँ पे हम गेट का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, गेट हर सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब वर्क करता है। गेट जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं वर्क करेगा, वो एज अ मेन वर्ब वर्क करता है। जैसे प्ले, सिंग, डांस, ये सब हमारे मेन वर्ब है, उसी तरह से गेट भी हमारा क्या वर्क करेगा, एज अ मेन वर्ब वर्क करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब भी कोई सेंटेंस आप गेट से रिलेटेड बनाओगे या बनाते हो तो वहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा जब भी आप गेट से कोई भी रिलेटेड सेंटेंस आप क्रिएट करोगे, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। एंड द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ गेट इज, अगर पास्ट का कोई सेंटेंस आप बना रहे हो तो वहाँ पे गेट का सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा, क्योंकि पास्ट सेंटेंस है तो गेट अगर मेन वर्ब है तो उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गॉट। आपके सामने गेट से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, लाइक गेट प्लस थिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और अपने टॉपिक को और इजी बनाते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डूडस से। डूडस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वन। सो डूडस से रिलेटेड अगर आप सेंटेंस गेट से बनाना चाहते हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस गेट या फिर गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स हिज क्लॉथ वॉश्ड, ही गेट्स हिज क्लॉथ वॉश्ड। मैं बार बार मैं पॉइंट जब वहाँ पे बता रहा था तो थर्ड पॉइंट में मैंने मेंशन शायद किया था कि ये जो गेट है आपका एज अ मेन वर्ब वहाँ पे यूज़ होता है। ही गेट्स हिज वॉथ वॉश्ड, वह अपने कपड़े धुलवाता है। हाँ, धुलवाने का जो धुलने काम है वो किसी थर्ड पर्सन से करा रहा है। ही गेट्स हिज क्लॉथ वॉश्ड। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दे गेट द रूम क्लीनड बाई जैक, दे गेट द रूम क्लीनड बाई जैक। वे लोग जैक से रूम साफ करवाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट द एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर वन। फ्यूचर वन लाइक विल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट एग्जाम्पल विल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल होते हैं। विल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, गागी गे। जैसे आई विल गेट यू किल्ड, आई विल गेट यू किल्ड, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मरवाने का काम मैं किसी तीसरे से करवाऊंगा भाई, ठीक है, आई विल गेट यू किल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल, ही विल गेट द रूम डेकोरेटेड, ही विल गेट द रूम डेकोरेटेड, वह रूम को सजवा देगा, वह रूम को सजवा देगा। इजमआर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स अब हम लोग कवर कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स जानने से पहले हम देखते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा। तो स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस इजमआर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे गेटिंग क्यों गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कि गेट जो है वो एज अ मेन वर्ब वर्क करेगा। तो जब भी आप इज एम आर के यूज़ करते हो तो वहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है एज अ कंटिन्यूअस में। ओके, सो आइए देखते हैं विथ एग्जांपल्स। सो पहला एग्जांपल हमारे पास, जैक इज गेटिंग चिकन कुक्ड, जैक इज गेटिंग चिकन कुक्ड, जैक चिकन पकवा रहा है या बनवा रहा है। तो जैक वो जो चिकन बनवा रहा है वो किसी और से बनवा रहा है, थर्ड पर्सन से बनवा रहा है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर क्रिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, जैक इज गेटिंग चिकन कुक्ड। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, जॉन इज गेटिंग कार वॉश्ड, जॉन इज गेटिंग कार वॉश्ड। इसका मतलब कि जॉन कार धुलवा रहा है, कार धुलवा रहा है, रहा है, रही है, ये क्या है हमारा, इज एम आर का आइडेंटिफिकेशन है। और जब भी आपको क्रिएट करना है तो जॉन इज गेटिंग कार वॉश्ड, जॉन कार को धुलवा रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट फिनिश कर दिया है, जस्ट वेट फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो एंड सून यू विल बी नोटिफाइड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ कॉजिटिव वर्ब सीरीज। हियर नॉट आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू शेयर सम टास्क विथ यू, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू जस्ट क्रिएट एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेस एंड सेंड इट इन आवर कमेंट बॉक्स एंड यू विल बी इन्फॉर्म दैट योर सेंटेंसेज आर करेक्ट एंड आर रॉन्ग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।